हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ होली स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। तो मार्केट स्टाइल समोसे बनाकर तैयार करेंगे बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही अच्छे समोसे बनाकर आप तैयार करेंगे घर पर ही। तो इस होली इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं समोसों की रेसिपी। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए डो तैयार कर लेंगे गाइस। तो 200 ग्राम मैंने इसमें मैदा ऐड किया है। कप से इसका मेज़रमेंट करें तो 2.5 कप मैंने मैदा लिया हुआ है। हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है। सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इसमें मोइन के लिए मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून देसी घी ऐड किया है। आप इसकी जगह वनस्पति घी भी ऐड कर सकते हैं, बट आपको इसमें घी ही ऐड करना होगा, जिससे अगर आपको क्रंच बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा समोसे में, बिल्कुल मार्केट जैसे समोसे बनकर तैयार होंगे गाइस। उससे भी अच्छे आप इसको घर पर बना सकते हैं, क्योंकि आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसमें स्टफिंग भर सकते हैं, आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम डो तैयार कर लेंगे। तो मोइन हमारा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया। इसी तरीके से आपको मैदा को बाइंड करके देखें, अगर आपके मैदा बहुत ही अच्छे से बाइंड हो रहे तो आपने बहुत ही अच्छे से परफेक्ट मोइन लगा। आप जितना अच्छा डो इसके लिए तैयार करते हैं, जैसे मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, अगर डो आप बिल्कुल परफेक्ट लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी आप समोसे घर पर ही बना करना है। तो इसको रेस्ट पर रख देते हैं 20 मिनट्स के लिए। तो 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट पर रख दिया है। डो को इसके इसलिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। 400 ग्राम बॉयल आलू लिए हुए हैं। आलूओं को ठंडा करने के बाद ही इस तरीके से आपको छोटे छोटे पीसेस में करना होगा, और आपको इसमें ग्रेटर में ग्रेट नहीं करना है। तो इसको बनाने के लिए एक पैन ले लेंगे और 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे, और मैंने 1/4 टीस्पून इसमें हींग ऐड किया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड किया है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है। रोस्टेड मैंने यहाँ पर साबुत धनिया और रोस्टेड ही मैंने यहाँ पर इसमें सौंफ ऐड की है। दोनों चीज़ों को मैंने हल्का सा रोस्ट करने के बाद हल्का सा क्रस्ट कर लिया था, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा गाइस। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने बेसन ऐड किया है। बेसन टोटली ऑप्शनल है, अगर लाइक करते हैं तो आप इसको यूज़ करें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि हम समोसे घर पर बना रहे हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो बॉयल मैश किया हुआ आलू सभी मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसकी स्टफिंग हम थोड़ी चटपटी ही तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसकी स्टफिंग काफ़ी ज़्यादा चटपटी स्पाइसी सी बनाकर तैयार करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने इसमें नमक ऐड किया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही इसमें मैंने रॉ मैंगो पाउडर ऐड किया है, खटाई ऐड किया है, और गरम मसाला ऐड किया है 1/2 टीस्पून। 1/2 कप इसमें मैंने मटर ऐड किया है। 20 से 25 मैंने इसमें काजू ऐड किए हैं, जिनको मैंने कट कर लिया था। 20 से 25 इसमें किशमिश ऐड किया है, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लाइक करते हैं तो आप इसमें ज़रूर ऐड करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है काजू का क्रंच इसमें। 3 से 4 मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की है, और मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है। तो सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग को हम कुछ देर के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पाइसी हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। तो देख ही सकते हैं आप कितना ज़्यादा टैम्चिंग लग रहा है गाइस। तो इस तरीके की स्टफिंग समोसों में गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो डो को रखे हुए 20 मिनट हो चुकी है, डो हमारा देख सकते हैं सेट हो चुका है। तो इसको हम चॉपिंग बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो हल्का सा इसको मैश करेंगे। तो डो को मैंने नीट कर लिया है, इसको एक रोल की शेप में हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे और इसको इक्वली पीस में कट कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम समोसों के लिए शीट तैयार कर लेंगे, और शीट को आपको बहुत ज़्यादा ना पतला रखना है ना बहुत ज़्यादा ही आपको इसको मोटा रखना होगा गाइस। तो सिंपली इसको हम पहले इसको बेल लेते हैं। तो इसको पहले राउंड बेल लेंगे, फिर ओवल शेप में आप इसको तैयार करें। तो आप देख सकते हैं शीट को मैंने थोड़ा सा लंबाई में इसको बेल कर तैयार किया है। बीच में से इसको कट लगाएंगे और 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो एक हिस्से को हम उठाएंगे और इसको 1 साइडेड इसके 1/2 साइड में हम इसको पानी लगाएंगे, जिससे कि हम इसको अच्छे से फिक्स कर चुके हैं। तो इस पर इस साइड हम पानी लगाएंगे और इसकी इस साइड को हम
ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से कोन हम इसका तैयार करेंगे एक, और इसको हल्का सा पिंच करेंगे। तो अच्छे से आपको इसको पिंच करना होगा, जिससे कि हमें फ्राई करते टाइम हमारा समोसा बिल्कुल भी ओपन ना हो, ये ना खोले। तो इसको हाथों से हल्का सा पिंच करें। तो पिंच करने के बाद इसमें 2 से 2.5 स्पून आप स्टफिंग अच्छे से फिल करें। तो इसको हल्का सा प्रेस करते हुए अच्छे से समोसों में स्टफिंग को हम फिल कर लेंगे। और गाइस यकीन मानिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे परफेक्ट समोसे घर पर बनकर तैयार होंगे आपके। तो इसको स्टफिंग हम इसमें अच्छे से फिल कर लेंगे। तो इसको हाथों की हेल्प से हल्का सा प्रेस करते हुए आप इसकी साइड्स को पानी लगाते हुए इस तरीके से आप इसको फिक्स कर देंगे, और इसको पिंच कर लेंगे अच्छे से, जिससे कि ये फ्राई करते टाइम ना खुले। तो इसी तरीके से, सेम तरीके से ही आपको सभी समोसे बनाकर तैयार करने होंगे। सभी समोसों को पहले इसी तरीके से बनाकर आप कवर करके रख लें। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा परफेक्ट बना है। तो एक और आपके साथ शेयर करूँगी। तो सेम तरीके से ही हाफ पोर्शन पर आपको इसमें पानी अप्लाई करना होगा, और फिर से इसको इसके ऊपर इस तरीके से हल्का सा पिंच करेंगे और कोन की शेप में इसको तैयार कर लेंगे। चारों तरफ आपको इसमें पानी अप्लाई करते हुए इसको इस तरीके से पिंच करते हुए बंद करना होगा। तो सभी समोसों को हम सेम तरीके से पहले बना कर रख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी समोसों को हमने फिल करके इसको तैयार कर लिया है। तो इसको कवर कर देते हैं और ऑयल को हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है। मैं इनको यहाँ पर वनस्पति घी में डीप फ्राई करूँगी। आप अपनी पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट पहले आप इनको लो फ्लेम पर फ्राई करें, जैसा कि मैंने यहाँ वीडियो में लो फ्लेम किया हुआ है। उसके बाद आप फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दें, और इन पर जब लाइट गोल्डन कलर आ जाए तब तक आपको इनको फ्राई करना है। बहुत ही अच्छे क्रिस्पी समोसे आप बनाकर तैयार। पहले हम इनको फ्राई करेंगे और फिर फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इन पर अच्छा सा कलर आ जाए तब तक ही आपको इनको कुक करना होगा। और आप इनका कलर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लाइट कलर के भी आप इनको उतार सकते हैं। और आप देख सकते हैं, देखने से ही पता चल रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्रंची बनकर तैयार हुए हैं और बिल्कुल ऑयल फ्री बने हैं। इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा डो बनाकर तैयार किया है। तो बिल्कुल भी ऑयल को ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से आपको इनका डो तैयार करना होगा, और पहले आपको इनको लो फ्लेम पर ही गाइस डीप फ्राई करना है। तो सभी समोसों को हमने डीप फ्राई कर लिया है, और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा परफेक्ट, और बिल्कुल भी इनमें आप देख सकते हैं ऑयल नहीं एब्जॉर्ब किया है। तो सभी समोसे बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। तो मैंने इनको हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व किया है। आप अपनी पसंद के किसी भी डिप के साथ इसको खा सकते हैं, बट इस डिप के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप हरे धनिए पुदीने की चटनी देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टैम्पटिंग लगती है ये वाली सॉस के साथ समोसे। तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा परफेक्ट समोसे बनकर हमारे तैयार हुए हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कब बना रहे हैं आप इस रेसिपी को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो आपको एक समोसा मैं तोड़कर दिखाऊं, देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रंची बना हुआ है गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। समोसे बनकर हमारे तैयार हो गए हैं गाइज, आपने देखा इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। तो कब बना रहे हैं आप इस रेसिपी को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी रेसिपी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।